विश्वभर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो वहीं राजधानी जयपुर में भी विश्व योग दिवस पर कोरोना संक्रमण के चलते लोग घरों में ही रहकर योग करते हुए नजर आए। वैशाली नगर में स्थित योगास्थली योगा सोसाइटी के डायरेक्टर और फाउंडर डॉक्टर हेमलता शर्मा ने अपने घर पर लगातार 12 घंटे योग कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा पेश किया है। 12 घंटे लगातार ये योग अभ्यास सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक चला, जिसमें हेमलता शर्मा के द्वारा योग की विभिन्न क्रिया और शिक्षा सिखाई गई। तो वही इस कार्यक्रम का योगास्थली के फेसबुक पेज पर लाइव भी किया गया। विश्व भर में आज 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो भारत में भी कई तरह से जो है विशेष आयोजन रखे गए हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते लोग घरों में ही रहकर योग की क्रियाएं कर रहे हैं, तो वहीं राजधानी जयपुर के अंदर जो है एक बेटी है हेमलता शर्मा, जो कि यहां पर योग का एक अनूठा रिकॉर्ड अपने नाम करने की कोशिश कर रही है। सुबह 4 बजे से ये योग की क्रिया चल रही है, लगातार 12 घंटे तक जो है योग की क्लास है, जिसमें न केवल बच्चों को जो है योग सिखाया जा रहा है, बल्कि योग की क्रियाएं हैं वो भी यहाँ पर सिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं ये पर किस तरीके से समझाया जा रहा है कि योग की कौन कौन सी क्रियाएं होती है। योगास्थली योगा सोसाइटी की ओर से जो है ये आयोजन रखा गया है, जिनके फेसबुक पेज पर ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, सुबह 4 बजे से चल रहा है और ये 12 घंटे का कार्यक्रम है, जिसमें लगातार जो है योग की क्रियाएं, जो योग की क्लास है वो यहाँ पर हेमलता शर्मा यहाँ पर ले रही है। तो ये एक अनूठा रिकॉर्ड है जो अपने आप में कि लगातार 12 घंटे तक इनका दावा है कि योग की क्रियाएं हम लोग यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से ये राजधानी जयपुर के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण है तो इम्यूनिटी पावर का जो है इस बार एक अहम रोल है कोरोना को हराने के लिए, तो जिसमें योग की क्रिया एक ऐसा साधन है जिसे न केवल मन और तनाव को कम किया जाता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जा सकता है ताकि कोरोना को भगाया जा सके। तो ऐसे में योग की क्रियाएं अब जो है वर्तमान दौर में हर आदमी के लिए बेहद जरूरी और तनाव करने के लिए अति आवश्यक ग्रुप में निकल कर सामने आ रही है। तो इसी कड़ी में आप देख सकते हैं ये यहाँ पर क्लास ली जा रही है योग की। साथ में यहाँ पर जो देख सकते हैं आप फेसबुक पेज है इनका, जहाँ पर ये लाइव सेशन चल रहा है, कई लोग भी जुड़े हुए हैं इससे जो ये क्लास देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये अनूठा रिकॉर्ड जो है अपने नाम करने की कोशिश जारी है। योग दिवस है तो योग दिवस के अवसर पर हेमलता शर्मा की ओर से एक अनूठी पहल के माध्यम से रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। 12 घंटे यदि मैं, ये मेरा पहला परीक्षण था अपने आप के ऊपर ही कि क्या लगातार 12 घंटे तक वो ऊर्जा मेरे अंदर रहेगी, पर रियली आई एम सो ब्लेस्ड कि वो ऊर्जा रही और सब लोगों का बहुत आशीर्वाद मेरे साथ रहा, उनके सबके बेस्ट विशेस ने वर्क किया। 12 घंटे तक मैंने लगातार योग करवाया। विश्व योग दिवस यानी 21 जून पर जयपुर की बेटी हेमलता शर्मा ने सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक यानी लगातार 12 घंटे तक योग की क्रियाओं के साथ में जो है एक क्लास ली, जिसमें कई लोग इनके फेसबुक पेज जो योगास्थली का फेसबुक पेज है उस पर इनको लाइव किया गया। तो इस तरीके से इन्होंने जो है 12 घंटे का एक जो रिकॉर्ड है जो अपने नाम किया है, अब जो है इनका दावा है कि 12 घंटे का लगातार विश्व योग दिवस पर जो है इन्होंने योग की क्रियाएं साथ में योग सिखाया भी है। तो ऐसे में इनके द्वारा जो पहल की गई है वो बहुत ही अच्छी पहल है। कोरोना संक्रमण में लोगों को जागरूक करने के लिए जयपुर की बेटी की इस पहल की सराहना भी हो रही है। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV जयपुर।